हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबको पता होगा मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरी गाड़ी पटना गई थी बहुत पहले, और वहां से बन करके आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी थी जिसकी वजह से मुझे वापस गाड़ी को भिजवाना पड़ा लखनऊ। और लखनऊ जब गई थी तो उसका पूरा यहाँ पर देखेंगे RSA का पूरा सब कुछ है। इसका फ़ोटो होगा आपको साइड में अपलोड कर दूँगा। एक्चुअली जो डेट था वो था 23 को गई थी, यानी कि टाइम जो था 12:04, रात के 12:04 पे गई थी। तो ये तारीख था और आज जो आपकी जो डेट है वो है 2 तारीख। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। अभी बता रहे हैं कि आपको गाड़ी 2 से 3 दिन के अंदर में हम भिजवा देंगे। तो कुछ पैनल पे दिक्कत थी, कुछ और भी इशू था, तो वो सब कुछ वो लोग चेक किए हैं। गाड़ी से आवाज़ आई थी, बताए थे हम जब गाड़ी चलते मोटर से आवाज़ उत्पन्न हो रही है, मोटर से हो रही है, कहाँ से हो रही है, तो उसको चेकआउट करेंगे। बाकी कुछ पैनल पे स्क्रैचेस थे, कुछ पैनल पर ख़राब थे, उसको पटना में चेंज नहीं किया गया था, तो वो सब पैनल भी चेंज करवा रहा हूँ मैं। और बाकी सब कुछ अब बात करेंगे कितना वहाँ का सर्विस कैसा है। तो सर्विस में तो वो जो कुछ भी करते हैं, अगर उनको कॉल करें कभी भी, लगभग 12 बजे तक मैं फ़ोन किया एक बार रात को, इमरजेंसी थी, उस टाइम पे भी कॉल रिसीव कर लेते हैं। तो वहाँ पे लखनऊ की बात करें, कभी भी कॉल कर लें, कॉल ज़रूर रिसीव करते हैं। मैं एक्चुअली मेरे पास एक दिन बैलेंस नहीं था तो मैंने व्हाट्सएप से ही कॉल कर दिया। व्हाट्सएप से आता ना वॉइस कॉल, वो मैंने कॉल किया, उस कॉल को भी उन्होंने रिसीव कर लिया। तो पटना की सर्विस की अपेक्षा वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, हर एक कॉल को पिकअप करते हैं, जो भी बात होती है ऑलरेडी जवाब देते हैं। सब कुछ ऐसा नहीं है कि अपने मन का जो कुछ भी होता है ना कॉल रिसीव करें ना कुछ जवाब दें, अपने मन से क्लेम करें। यहाँ की जो क्लेम थी, मतलब कि जो डिजिट का मेरा इंश्योरेंस है मैंने क्लेम किया था, वो क्लेम भी हमने ही किया था। ऐसा नहीं था कि ऑलरेडी उन लोगों ने क्लेम किया, लखनऊ के किसी लोग ने क्लेम नहीं किया, मैंने क्लेम किया, सब कुछ बताया कैसे मेरी गाड़ी में क्या क्या खराबी हुई और कैसे क्या क्या चीज़ दिक्कतें हुई, कैसे स्क्रैच आई, सब कुछ मैंने बताया। उसके बाद से डेट बताया, वो लोग मुझसे बैलेंस भी पूछे कितना लगभग लग सकता है, तो बैलेंस भी मैंने बता दिया, मिनिमम जितना भी लग सकता मैंने 20,000 के आसपास बताया था, तो लगभग उसके आसपास या उसके ऊपर जाएगा इंश्योरेंस का। तो उसी हिसाब से मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड में गई, तो लेफ्ट साइड में सारे पार्ट्स ख़राब हैं, तो लेफ्ट साइड को उन लोगों ने दे रखा है। अभी एक वीडियो इसके बाद, जस्ट इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो मिलेगी देखने को, जिसमें इंश्योरेंस के बारे में बताऊँगा कि इंश्योरेंस कैसा है जो हम इंश्योरेंस लेंगे। मेरा डिजिट का इंश्योरेंस है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो बाकी यहाँ पर बात करें तो गाड़ी फ़िलहाल में मैंने आज ही बात किया, कुछ देर पहले ही बात हुई, तो बोल रहे थे कि आपको लगभग 3 दिन के अंदर में, यानी कि बुधवार तक गाड़ी आपको मिल जाएगी। आज की जो डेट है वो संडे है, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, बुधवार तक गाड़ी मिलेगी, क्योंकि जैसे उनके जो मैकेनिक हैं वो मुस्लिम शायद कुछ करके हैं, तो उनका रोज़ा चल रहा है फ़िलहाल में, तो आज वो काम पे आए नहीं थे, बोले कल उसको जो आवाज़ सब कुछ पैनल चेंज होगा, सब कुछ हो चुका है, बस आवाज़ वाला जो है मेन पॉइंट उसको खोल के चेक करना है कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उस चीज़ को वो चेक करेंगे। बाकी सब कुछ तो बता रहे, सब कुछ हम लोग चेंज कर चुके हैं, हो चुका है सब कुछ, तो जो भी बातें थी वो सारी कुछ हो गई हैं, बस वही एक चीज़ बचा हुआ है जो आवाज़ उत्पन्न हो रहा है, जो कि एक मैकेनिक ने बोला था कि धुलवा लीजिए, यहाँ पर आकर के धुलवाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी हम बोले चलो भाई मैकेनिक है, हो सकता है धुलवाने पर हो जाए, तो मैंने जाके वॉशिंग सेंटर में इसको अच्छे से वॉश भी करवाया, आप लोगों को वीडियो भी बनाकर दिखा, लेकिन कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ा, नॉइज आ ही रही थी। लेकिन जब लखनऊ गया तो वो लोग बता रहे हैं कुछ अंदर से कोई दिक्कत है इसमें, तो उसको वो खोल करके उसको रेक्टिफाई करके उसको सही करेंगे, कल यानी कि मंडे को इस चीज़ को कर देंगे। आज संडे है, सो आज संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है किसी दिन बाद मिले आपको, सो देखते हैं कब तक आती है वहाँ से। और गाड़ी आने के बाद मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, कैसा गाड़ी बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें रेक्टिफाई हुई हैं, कैसा वहाँ की सर्विस है, क्योंकि सर्विस का अभी तो जो जहाँ तक हुआ सर्विस वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ बातें थी वो सही थी। पटना में आपको पता ही है 5 महीने लगे थे, उसके बाद भी गाड़ी आई तो फिर मुझे 2 महीने के अंदर फिर मुझे भिजवाना ही पड़ा, तो दिक्कतें बहुत सारी पटना में थी, क्योंकि लगभग 26 जनवरी के आसपास 27 जनवरी के आसपास मुझे गाड़ी मिली थी, और फिर उसी 2 दिन बाद मैंने फिर क्लेम किया, लेकिन गाड़ी मेरी गई थी फिर जा करके 23/3 को, तो कल से कैसे कैसे करके इशू था, ब्रेक का S1 Pro नहीं पीछे लगा था, बहुत सारा कुछ इशू था, सब कुछ कराते कराते हमने उसको सही करा, फिर जा करके सब कुछ रेक्टिफाई हुआ। तो ये सारी दिक्कतें थी फिलहाल में, अब देखते हैं गाड़ी आती है तो उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। बाकी और कोई दिक्कत तो है नहीं गाड़ी में, वही 2-3 दिक्कतें थी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप रेंज टेस्ट देखना चाहते हैं कि ओला स्कूटर का रेंज टेस्ट कितना है हाइपर मोड में, नॉर्मल मोड में या किसी और मोड में, तो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो सर्विस के एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए हर जगह का सर्विस मैं नहीं कह सकता हूँ, बहुत जगह की ओला की सर्विस बहुत अच्छी है, जैसे लखनऊ की सर्विस हमारे यहाँ की ठीक ठाक है, पटना की बेकार से अधिक बेकार मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझसे अगली बार उन लोगों ने ही क्लेम किया था, जिसकी वजह से मुझे 18,000 रुपये पे करना पड़ा था पटना वालों ने ही,
तो एक्चुअली मुझे पैसे क्लेम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे लखनऊ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वो लोग जो यूएसबी को इंश्योरेंस वालों ने क्लेम नहीं किया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सर इस पे जो डैमेजिंग का है वो चीज़ दिख नहीं रहा है। सो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तो हमने उसको पे किया हुआ है, तो उसका प्राइस लगभग 350 के आसपास यूएसबी पूरा वो पे हमको करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और जो कि मास्टर सिलेंडर होता है, ब्रेक में मास्टर सिलेंडर ब्रेक वाली इशू थी, वो बोल रहे हैं कि पूरा मास्टर सिलेंडर से लेकर के पूरा सब कुछ चेंज होगा तब सही रहेगा, तो उसकी प्राइस लगभग 29 के आसपास जाएगी, यानी कि 2900 के आसपास, मतलब कुल समझे 3000 के आसपास, तो लगभग कुल मिला के 4000 के आसपास मेरा यहाँ पर खर्च होने वाला है, क्योंकि वो चीज़ वो लोग उसको इशू नहीं किए हैं, वो बोल रहे हैं डायरेक्ट इंपैक्ट होगा तभी हम इशू करेंगे डिजिट वाले, तो ऐसा उनका कुछ कहना है। बाकी वो पैसा तो मैं पे करूँगा, मुझे बनवाना ही पड़ेगा, बिना ब्रेक के गाड़ी कैसे चलाएगा, अब ब्रेक काम ही ना करे गाड़ी चले ही ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है, सो ब्रेक तो मुझे सही करवाना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, और जल्दी वीडियो आने वाली है आपको डिजिट के ऊपर, कैसा इनका सिस्टम है वो सब कुछ मैं बता दूंगा इंश्योरेंस का। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।